हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कहाँ जाने गो कागा हरी रंग लागा री मन नाम रंग ला तन गुदड़ी मन धागा हरी रंग लागा री मन नाम रंग ला। धो दीजिए धो दीजिए इस झीनी सी चदरिया पे जो दाग लग गए हैं, और घबराइए मत। अरे काजल की कोठरी से निकलते निकलते कितना ही बुद्धिमान हो थोड़ी सी कलुषता आ जाती है, हो जाता है थोड़ा सा वस्त्र मैला, चिंता की बात नहीं है। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन है, ध्रुव पापी तिहुं लोकन के छिन माही तरह। तो बस हरीसों लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए, बन जाएगी बनेगी। मैं तो आपको रोज स्मरण कराता रहूंगा, जो यहां तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा। क्यों लाया है यहां तक? क्योंकि उसे आगे लेकर जाना है आपको, क्योंकि उसे आगे लेकर जाना है आपको, इसीलिए लाया। तो नेम वो जिसका आरंभ भी हो और अंत भी हो। अच्छा, प्रेम के भी कुछ नेम होते हैं, नेम में भी प्रेम होता है। प्रेम के नेम कैसे? आप अपने प्रिया प्रीतम को जगाते हैं, फिर खिलाते हैं, फिर निराजन करते हैं, फिर पढ़ाते हैं। अब ये सब भी क्रियाएं ऐसी हैं जिनका आरंभ भी है लेकिन अंत भी है, लेकिन ये सब प्रेम के नेम हैं, ये सब प्रेम के नेम हैं। और जब प्रेम होता है तो जो मैंने कई बार आपको एक बात निवेदन की कि आश्रित होइए आप नाम के, जो आवश्यक होगा वो रह जाएगा, जो अनावश्यक होगा चला जाएगा। अपने इस जीवन खंड को सदगुरु रूपी शिल्पकार के हाथ में दे दीजिए, वो आपसे एक सुंदर सुघड़ मूर्ति का निर्माण कर देगा। जो आवश्यक होगा वो रहेगा और जो अनावश्यक होगा चले जाएगा। तो ऐसे ही, और कल जब मेरे ख्याल से चर्चा यहीं पर विराम ले रही थी कि कैसे भेद समझा जाए, कैसे भेद समझा जाए कि सहजता क्या है और उच्छृंखलता क्या है, प्रमाद क्या है। इस भेद को समझने के लिए आपको अनुभव के एक स्तर पर आना पड़ेगा, और अनुभव के एक स्तर पर आने के लिए जो गुरुजनों ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, इसीलिए संप्रदाय है, इसीलिए आचार्यों का अवतरण है आपको मुझे एक सीधा एक सुघड़ मार्ग देने के लिए। यहां तो बड़े बड़े जंजाल है, बड़े बड़े झंझावात, बड़े बड़े प्रलोभन। आप कभी यहां मुड़ेंगे, कभी वहां, कभी दाएं कभी बाएं, पर खोजते रह जाएंगे। लेकिन ये वैसा भूल भुलैया है कि माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। इसीलिए गुरुजनों के पीछे पीछे चलिए। हमारे यहां आचार्यों की आज्ञा है, जब आप सेवा की कोई सौंज सामग्री प्रियालाल को निवेदन करते हैं तो सखियां कभी बिल्कुल सीधे जाकर श्री जी के सन्मुख वस्तु नहीं धरती। वो वस्तु जो है अपनी गुरु अली के हाथ में दी जाती है, अपनी गुरु सखी के हाथ में दी जाती है। सेवा करने की विधि क्या है? स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुराम। सहचरी कहां खड़ी है? प्रिया जी के पीछे, और प्रिया जी के बिल्कुल ठीक पीछे नहीं, वहां जहां उसकी गुरु अली खड़ी है वहां प्रिया जी के पीछे, प्रिया जी का अनुगमन, अपनी गुरु अली का, अपनी गुरु सखी का अनुगमन। अनुगमन अर्थात अपने गुरुजनों के वचनों का, उनके अनुशासनों का, उनके द्वारा दी गई आचार संहिता का पालन करना। मैं फिर दोहराऊं अपनी बात, फिर से आपसे कहूं, आपका साधन उन्हें खींचकर नहीं लाएगा, लेकिन आपका साधन आपको पात्र बनाएगा कि वो जब आएंगे अपनी इच्छा से आप उनका सत्कार कर पाएंगे, आप उनका आतिथ्य कर पाएंगे, आप अपने मन मंदिर में उन्हें आसन दे पाएंगे। क्या होता है, मैला कुचैला घर पड़ा हो और एकदम से कोई मेहमान आ जाए, कितना झंझट हो जाता है कि नहीं? मेहमान को भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी अच्छा नहीं लगता। वो बोले, अरे आने से पहले सूचना ही कर देते, आने से पहले हमको खबर ही कर देते, और ये मेहमान तो ऐसा है, ये आने से पहले सूचना देता है। और जब जीव भांति भांति के प्रपंच छोड़कर इस प्रकार सत्संग में आकर बैठता है तो ये प्रभु के आने की सूचना ही है। सूचना ही दी है प्रभु ने आपको कि अब हम आने को हैं, ये प्रभु के आगमन की सूचना है। जब इस प्रकार सब लोग मिलकर गान करते हैं प्रभु के गुणों का, और वो जो निर्मलता और पवित्रता आपके और मेरे अंतर्मन का मार्जन कर रही है, परिष्कार कर रही है, ये प्रभु के आगमन की तैयारी ही तो है।
धोया जाता है मार्ग को, फिर उस पर जल छिड़का जाता है, फिर उस पर पुष्प बिछाए जाते हैं। हर एक राह उनकी गुलों से सजा दे, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे, नजर भर वो देखे और मुस्कुरा। ये प्रभु के आगमन की सूचना ही है। जिस पवित्रता का निर्माण यहां होता है, मन का मैल मन का कलुष धुलता है यहां, ये प्रभु के आगमन के लिए की जाने वाली तैयारी ही तो है। मन का मार्ग ही तो झाड़ा बुहारा जा रहा है। धीरज धरने की, धीरज धरने का धीरज मिलता है सत्संग से। धीरज धरने का धीरज, मन की व्याकुलता, मन की वो आकुलता सत्संग धैर्य बंधा देता है। जैसे प्रियतम के आगमन से पहले कोई किस समय आएंगे इसकी सूचना आपको कर दे, कब आएंगे, कौन दिन आएंगे, किस घड़ी बस आपके निकट पहुंच जाएंगे, बस इसकी सूचना कोई आपको कर दे, ऐसे ही सत्संग है। प्रियतम के आगमन की ठीक ठीक सूचना दे देता है सत्संग। मन पहुंचता है कहीं वहां। ओ लड़ती इतनी मोह पे कृपा करो Start it.
ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संग चे सदा करिष्यसि हवा कृपा अंतर समझिए, प्रेम और नेम जो आरंभ हो और जिसका विश्राम हो वो नेम है। और आप काट छांट न करना, ये कार्य अपने अपने गुरुजनों को करने देना, जो वो कहें सो करना। जीवन जीवन सुघड़ आकार स्वतः लेता चला जाएगा। प्रेम का यही गुण है कि वो मानकर प्रत्यक्ष कर लेता है। मानने से ये इस यात्रा का जो आरंभ है वो बस मान लेने से है, मान लेने से। प्रेम में प्रश्न के लिए स्थान नहीं है, इस प्रश्न के लिए प्रेम में कोई स्थान नहीं है। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, क्योंकि प्रश्न और उत्तर का कभी अंत नहीं होता। प्रश्न और उत्तर का कभी अंत नहीं है। एक एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, उसके साथ दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। पर जीव की इतनी सामर्थ्य नहीं है, प्रभु को जान लेने की सामर्थ्य जीव की नहीं है। मैंने कई बार व्यासपीठ से निवेदन किया, जब जब मंत्र दिया जाता है, जब नाम देता है गुरु आपको, तो वो केवल नाम नहीं है, उसमें आपके गुरु का संकल्प जाता है आपके भीतर। इसलिए गत बार जब हम यहां पर एकत्रित हुए थे, चर्चा हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि कितना दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का जो ये कहता है कि मुझे बस केवल नाम ही तो मिला है। अरे और क्या दे दिया जाए आपको, जिसमें प्रभु विराजमान है, जिसमें उनका समस्त ऐश्वर्य माधुर्य नहीं, तो वो तो गुरुदेव ने दे दिया आपको, और क्या दे। वही उसी व्यक्ति के मन में ऐसी दुविधा, ऐसे द्वंद, ऐसे झंझट होते हैं, जो साधन करके भगवान को पाने का विचार रखता है, जिसे भगवान के स्वरूप का बोध नहीं है, जिसे उनके स्वभाव से जिसका परिचय नहीं है, कोई व्यक्ति करता है और कर करके पाने का प्रयास करता है, और करते करते मर जाता है, थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। मैंने कल भी कहा था, मैंने बहुत लोगों को परिश्रम करते देखा, परिणाम नहीं देखा मैंने जीवन में, कोई परिणाम नहीं। पर फिरा ना मन का फेर, मन का फेर नहीं फिरा। अंत में जहां से आरंभ किया श्री ध्रुवदास जी ने, प्रेम को निज रूप चाह, मन को नियंत्रण में न कर सको। कभी कभी बालक इतना चपल होता है, इतना चपल होता है कि मां को उसे कुछ देर बैठाना कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी मां उस पर दृष्टि रखती है कि कहीं ऐसी जगह न चला जाए जहां पर इसको कोई चोट लग जाए, जहां पर इसे कोई घाव लग जाए। वो ऐसी जगह जाने से बालक को रोक लेती है, वो कितना भी चपल हो वो थोड़ा परिश्रम करती है, लेकिन बालक को यहां वहां जाने नहीं देती। इसलिए मन पर नियंत्रण ना कर सको कोई बात नहीं, पर मन कहां जा रहा है। सब कुछ कर लेने के बाद अंत में चाह मन में संसार की ही रहती है, ये बड़ी विडंबना है। मन चाहता संसार ही है, सब परत हट जाने के बाद भी भीतर संसार ही रहता है। ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, विश्वामित्र बन गए, प्रकृति की मर्यादा का अतिक्रमण करके बन गए। वशिष्ठ नहीं माने और उन्हीं वशिष्ठ के प्राण लेने कुटिया के बाहर खड़े। इस कथा का जब मैं चिंतन करता हूं, तो जिस व्यक्ति ने तप से अणु परमाणु बदल दिए अपने, जिस व्यक्ति ने अपने तप के बल से प्रकृति को नत कर दिया, क्षत्रिय कुल में जन्मा और ब्राह्मण हो गया, ऐसी घटना आपको आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी।
सब कुछ तो हो गया, सारे सारे अस्तित्व को जीत लिया, अपने मन को कहां जीत पाए विश्वामित्र। उन्हीं वशिष्ठ के प्राण लेने उनकी कुटिया के बाहर खड़े हैं। इसीलिए कबीर कहता है, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, मैं नाम जपन क्यों छोड़ दिया। पर इससे सुगम रास्ता कहां मिलेगा? यहां सन्मुख राधा वल्लभ लाल हैं, धन्य 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 तेज इनके उपास्य हैं। हमको उपासना के लिए ये श्री चरण मिल गए, इससे सरस और इससे सरल दूसरा कोई रास्ता कहां पाएंगे आप? तो ध्यान रखते रहना, मन की चाह देखते रहना। मन को चाह किसकी है? प्रभु के लिए। यदि मन प्रभु को चाहता है, पते की बात है, अगर मन प्रभु के लिए प्रभु को चाहेगा तो ध्यान रखना आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप जहां बैठे वही मंदिर है, आप जहां बैठे वही मंदिर है, आप जब चले तब प्रदक्षिणा है, जब आप चले तभी प्रदक्षिणा है। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न दे। अब जो करे वो सेवा है, जो आप करें वो सेवा। यदि प्रभु के लिए प्रभु को चाहते हैं, यदि प्रभु के अतिरिक्त कोई और कामना वासना नहीं है, तो ध्यान रखना जिसका उद्देश्य शुद्ध है। मेरे जीवन का तो एकमात्र ही अनुभव रहा अब तक का, यदि आपका उद्देश्य शुद्ध है, माया होगी लेकिन बाधक नहीं साधक होगी। जब श्री हनुमान जी जाने लगे और जब सुरसा ने देख लिया कि इसका उद्देश्य शुद्ध है, ये केवल प्रभु का कार्य करने जा रहा है, उसी क्षण रूप बदला सुरसा का। वो जो अभी तक बड़ी भयानक थी, वो जो अभी तक प्राण लेने को आतुर थी, रामायण में वर्णन आता है, उसका वो भयावह रूप कहीं कहीं खो गया। बड़ा सुंदर रूप धर के हनुमान जी के सामने खड़ी है और बड़े बड़े सरल शब्दों में कहती है कि पवन पुत्र जाओ, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध होंगे, झगड़िए मत माया से, अपने मन की माया से झगड़िए। माया आपके मन के भीतर है, अपने मन के छल से, अपने मन के कपट से। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, अपने मन के छल कपट से झगड़िए। युद्ध करना है तो उससे करिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के जीते जीत। उसी उसी माया ने वो जो मार्ग रोके खड़ी थी, जो नहीं जाने दे रही थी, और पवन पुत्र जैसा बलशाली, हनुमान जी जैसा भक्त, हनुमान जी जैसा परम बलशाली, जिनके बल की कोई था नहीं है, वो भी पार नहीं कर पाए सुरसा को। क्यों? क्योंकि उसको ब्रह्मा का वरदान है कि उसको लांग कर कोई नहीं जा सकता। तभी बात बनेगी जब वो मार्ग दे दे, जब वो हट जाए रास्ते से, और माया मार्ग से हटे, माया बाधक के स्थान पर साधक हो जाए। बस यही करना है, एथू पुटना तो एथे लाना, अपना उद्देश्य शुद्ध रखना और ध्यान रखना। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। आपके मन के एक एक संकल्प से वो परिचित है। दे रहे हैं यदि प्रभु आपको संसार, तो ये ना समझना प्रभु आपको भुलाना चाहते हैं। आपने कभी मांगा होगा, आपके किसी मौन संकल्प ने कभी याचना की होगी, कभी आपकी याचना मुखर ना हो पाई होगी, मौन रही होगी, लेकिन आपने चाहा होगा, आपने चाहा होगा कभी। आज अपना एक छोटा सा अनुभव आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है संसार के लिए कोई बड़ी उपलब्धि हो कि ऊंचे आसन पर कोई बैठ जाए और हजारों लोग प्रणाम करते हो, जय जयकार करते हो, ठीक है,
संसार की दृष्टि में होगी, पर सत्य यह है बाप, इसमें एक क्षण का भी मन का सुख नहीं है। भीतर की बात इस सबसे नहीं बनती, पर मुझे लगता है कि मेरे अनुभव से आपको लाभ लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये अनुभव करने के बाद आपसे कह रहा हूं कि ये सब पा लेने के बाद भीतर एक क्षण का सुख नहीं मिलता। मन की वो बिगड़ी बात इस सबसे बनती नहीं, बिगड़ने का भय तो है, ये सब पा लेने के बाद बात और बिगड़ने का भय तो है, लेकिन बात बनती नहीं। मैंने कहा ना, आपकी आत्मा कभी अपूर्ण के साथ समझौता नहीं करेगी, वो कभी असत्य के साथ संबंध नहीं बनाएगी, वो चेतन अमल सहज सुख राशि वो नहीं मानेगी, उसे तो जो चाहिए सो ही चाहिए। ऐसी प्रीत लगी मोहन सो जो सोने पे सुहाग।